मालन नदी से कुछ दूरी पर गढ़वाल की तराई में बसा एक शहर है नजीबाबाद। कहा जाता है कि इसे 1750 ईस्वी में नवाब नजीबुद्दौला ने बसाया था। वर्तमान में शहर बिजनौर जनपद की एक तहसील होने के साथ विधानसभा भी है और यहां से विधायक हैं बीएसपी के तस्लीम। अगर विधानसभा के इतिहास पर गौर करें तो 1957 के दूसरे विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आई नजीबाबाद सीट। वर्तमान में बीएसपी के तस्लीम हैं नजीबाबाद के विधायक। 2007 के बाद से नजीबाबाद सीट पर बीएसपी का कब्जा है। 2007 में बीएसपी के शीर्ष राम नजीबाबाद से विधानसभा पहुंचे। 1993 से 2007 तक सीपीएम के रामस्वरूप सिंह विधायक रहे। बीजेपी को एकमात्र जीत 1993 के चुनाव में हासिल हुई। 1989 में बीएसपी के बलदेव सिंह को जीत मिली। कांग्रेस को आखिरी जीत 1985 में हासिल हुई। समाजवादी पार्टी को अभी तक पहली जीत का इंतजार है। 1974 से 2007 विधानसभा चुनाव तक सीट सुरक्षित रही। वर्तमान विधायक तस्लीम एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हमने पड़ताल की उनके विकास कार्यों की, आखिर अपने कार्यकाल में वो जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? नजीबाबाद शहर में हमारा एक मालन का रपटा था जो हर साल टूट जाता था। 20-22 गांव के बच्चे हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं, वहाँ से उनको बहुत परेशानी थी। मैंने ये प्रस्ताव दिया तो 4,90,00,000 रुपया अभी 6 महीने पहले पीडब्ल्यूडी के द्वारा वहाँ से मंजूर हुआ है, उसमें कार्य प्रारंभ है। पानी आने के कारण सर ये नहीं ले जा पाते, रात को या दिन को किसी टाइम भी हम नहीं ले जा पाते। जब पानी आया था तो हमें बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी, एक दिन तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी सर। उसके बाद ये पुल बनने से पहले ये बना, जैसे ये उसी टाइम गिर गया है बरसात में तेज पानी आने के कारण। तो सर ये विधायक तस्लीम जो विधायक हैं, इन्होंने विकास की बात करी थी, कोई इन्होंने विकास नहीं करा ना हमारे गांव में आके देखा बरसात के कारण। सारी समस्या था हमारे प्रीतमगढ़ में, तो ना तो यहाँ लाइट अब हुई थी और अब यहाँ आने रास्ते की समस्या है। रात को कोई बीमार पड़ जाए तो उसको भगवान नहीं ले जा सकते साहब। ये तस्लीम अहमद जी, इनसे जो कई बार हमने विनती की लोगों ने जाकर के, कहें हाँ साहब देखेंगे, हाँ साहब देखेंगे। ये पुल का निर्माण हो रहा था, बनते बनते ढह गया, पूरा भी नहीं हो जाता। हमें विधायक जी से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हमारे 5 साल के लिए कुछ कार्य करेंगे। उन्हें कार्य करना तो अलग की बात गई, आए तक नहीं विकास के नाम पर। एक पुल बनता बनता बन गया था, परंतु वो रास्ते बीच में टूट गया। विधायक जी से बहुत उम्मीदें थी, परंतु विधायक जी 5 साल में एक बार भी नहीं आए, उन्होंने कोई काम ही नहीं करा। विधायक से थोड़ी सी उम्मीद थी कि विधायक जी शायद हमारे यहाँ आएंगे, कुछ काम कराएंगे पिछड़ा क्षेत्र, लेकिन विधायक जी ने आज तक आगे इधर नहीं देखा। विधायक तस्लीम अहमद। दूसरा सवाल, ऐसा काम बताइए जिससे जनता आपको वोट करे। हमारा नजीबाबाद में हमने 100 नल पहले लगवाए विधानसभा में, और 100 नल और अब 100 रिबोर अब हम कराने जा रहे हैं। 200 हैंडपंप और 100 रिबोर हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं। जो पानी की समस्या हमारे विधायक जी तस्लीम अहमद जी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में की गई थी कि मैं क्षेत्र के लोगों को बिजली और पानी दूंगा, तो मैं चैनल आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि तस्लीम अहमद जी विधायक तो बने लेकिन विकास के नाम पर शून्य रहे। हाँ, एक नल था वो भी नदी में बह गया है, पानी की इतनी समस्या है, जो नहा भी नहीं सके, पानी भी नहीं ला सकते, दूर बहुत नल थे उसमें भी पानी ना रहा। जो एक नल था वो भी बहालिया और बाकी जो दूर है वे बिगड़े पड़े हैं, नदी का पानी पी रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। तुम्हारा विधायक कौन है यहाँ? कोई विधायक तस्लीम आज तक है कोई आगे नहीं देखा। समस्या हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो नल की है, कोई सरकारी नल नहीं है, और जो कुछ दूर है भी है उससे हमें कोई फायदा भी नहीं है, और उससे जो हमें पानी भी नहीं ला पाते। विधायक जो है हमारे तस्लीम है, उनके बाद कई बार कहने पे भी जो है अभी हमारी तो कोई समस्या सुनी नहीं किसी। तीसरा सवाल, आपके कार्यकाल का तीसरा बड़ा क्या काम रहा?
जो मैंने गांव-गांव जाकर गांव के दौरे किए थे तो मैंने महसूस किया नजीबा विधानसभा में हर गांव में बिजली की परेशानी थी, उसको मैंने विधानसभा चलने पर हाउस में 142 गांव विद्युतीकरण के लिए प्रस्ताव दिया, जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत 142 गांव हमारे मंजूर हुए। जो तस्लीम नेता का है वादे कर रहे थे उनको हम लाइट भी देंगे और ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, तुम्हें बहुत कोई परेशानी नहीं होने की, और आज तक यहाँ आकर नहीं देखा। तो यार ये बिजली के खंभे आए पड़े हैं, अब इनमें कहीं गाड़ दिए कहीं गड़े भी ना आए। लाइट खिंचवा दी हमारे मोहल्ले में, सब में खिंचवा दिए, लाइट नहीं आ रही है, खाली खंभे गड़वा दिए। ये यहाँ तुमने 4-5 साल हो गए जो लाइट नहीं आ रही। इधर जब विधायक जी वो लड़ने आए थे, चुनाव के टाइम पे आए थे, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ पर सड़कें और बिजली तुरंत खिंचवा दूंगा, जबकि अभी तक कोई भी सुनवाई वो नहीं हो पाई है। तस्लीम अहमद वहाँ से विधायक हैं हमारे, पहले मायावती की सर पार्टी में हुआ करते थे, आज वो समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन उन्होंने विधायक बनने के बाद जनता को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने वायदा किया था कि यहाँ 24 घंटे बिजली चला करेगी, आज हमारे गांव में बिजली तक नसीब नहीं है, एक एक महीने तक बिजली नहीं आती। चौथा सवाल, ऐसा काम जिसे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। जो हमारा लिंक रोड थे, जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते थे, जिसमें मरम्मत का होना और नया निर्माण गांवों में सीसी, वो लगभग 45 गांव में मैंने अपने प्रस्ताव के द्वारा शासन से पूरी विधानसभा में 45 सड़कों पे पीसी और सीसी कराई। दूसरा काम जो मैंने महसूस किया था कि गांव के अंदर सड़कों की कमी थी, तो मैंने अपनी विधायक निधि से अब तक गांव में जहां कीच गारा रहता था 92 सड़कें बनवाई है। ना पैदल निकल सके ना मोटरसाइकिल से निकल सके, थोड़ा बहुत निकल लिए थे, सड़कें बनी हुई थी थोड़ी बहुत, तो विधायक साहब ने तस्लीम साहब ने मतलब जो खनन चलाया यहाँ और चला कर सड़कें इस हालत में हुई पड़ी कि ना पैदल निकल सके ना मोटरसाइकिल से, मच्छर काट रहे हैं दुनिया भर के गारे पहाड़ी। यहाँ से तस्लीम अहमद विधायक है जो बसपा से थे, चुने गए थे 2012 में। यहाँ सड़कों का हाल तो ज़्यादा ख़राब है, जो लिंक रोडें हैं वो ज़्यादा ख़राब है। जो विधायक निधि से बननी चाहिए थी कायदे में वो नहीं बनी है। जो सड़कें हैं बदहाल हैं, सब परेशान हैं सड़कों से, और जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य अभी तक नहीं है। तस्लीम अहमद विधायक जी जो अभी तक 4.5 साल से यहाँ आए भी नहीं हैं और ना आके देखा है, सारी सड़कें बदहाल हैं, लोग परेशान हैं। ये रिंग रोड है, लिंक रोड जो गाँव से शहर को जोड़ने वाली है, इसकी हालत इतनी ख़राब है, यहाँ से बच्चे बुजुर्ग निकलते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता निकलना, गारा पानी इतना है, क्या आप देख सकते हैं कितना ख़राब रोड है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ के जो विधायक तस्लीम साहब उन्होंने कुछ नहीं कराया, लिंक रोड से कोई अब रास्ता जुटा हुआ नहीं है, और जो पहले विधायक थे तस्लीम अहमद उन्होंने लौट के देखा नहीं, इधर कभी आए नहीं वो, और रास्ते सब बेकार है। कैसी हालत है लिंक रोड की? बिल्कुल बेकार है, पैदल चलना मुश्किल है। जो लिंक रोड हैं सारी ख़राब हो चुकी हैं, जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, साइकिल से आने जाने वालों को बच्चों को परेशानी होती है, ठोकर खा कर गिर जाते हैं, कोई आज तक मरम्मत या कोई सड़कें बनी नहीं। विधायक के दावों के बीच हमने जनता की राय जानी और जो तस्वीर निकल कर सामने आई वो विधायक की बातों से इतर थी। जनता विधायक तस्लीम के कामों से असंतुष्ट नजर आई और समाचार पत्र की पड़ताल में विधायक फेल हुए। नजीबाबाद से समाचार प्लस के लिए अर्शद जैदी के साथ मोहम्मद फहद की रिपोर्ट।